हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन आप चैनल में। तो आज 4 अगस्त के लिए देखते हैं अभी क्या अपडेट आई है आपके सारे बिहार की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की तरफ से। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मेरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आपके सेशन 2020-23 के डिग्री फर्स्ट के रेगुलर कोर्सेज वोकेशनल जनरल और प्रीलिम्स में आप एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, ये लास्ट डेट है। 10 अगस्त तक आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक और अगला अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आवश्यक सूचना आप सभी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को आखिरी मौका 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। UG के लिए अगर आप इंटर किए हैं बिहार बोर्ड से तो 811 रुपये पेमेंट करनी है और अदर बोर्ड से तो 961 और PG वालों को 961 रुपये पेमेंट करनी है। हमने फुल वीडियो ट्यूटोरियल अभी भी जस्ट हमारे चैनल पर डाले, आपको वीडियो देखने को मिलेगी। हमने उसमें बताया कि आप किस तरह रजिस्ट्रेशन का फुल पेमेंट करेगा। आपने भी रजिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं किया है तो क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, किस तरह रजिस्ट्रेशन पेमेंट करनी है आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए वीडियो के बाद चेक जरूर करें। अगले बार तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की तरफ से TMB यूनिवर्सिटी पढ़ने को मिल जाएगा कि BEd फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म सेशन 2020-22 का और BEd सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन सेशन 2019-21 का वो आपका फॉर्म फिल होगा 5 अगस्त से 11 अगस्त तक विदाउट लेट फाइन के साथ और 12 अगस्त से 16 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हो विद लेट फाइन के साथ। अगली अपडेट ललित मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से एलएनएम यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेजुएशन पार्ट 2 परीक्षा को लेकर के कि आपके देख पा रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पर उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है जिसके लिए आपको बिना विलंब शुल्क 2 अगस्त से 20 अगस्त लगे भर सकते हैं, बाद में 30 रुपये शुल्क लगेगा लेट फाइन 21 से 27 अगस्त तक। अगली अपडेट एलएनएम यूनिवर्सिटी की तरफ से आप देख पा रहे हो उसका पूरा आ गया है एग्जाम का शेड्यूल आपके देख पा रहे हो ग्रेजुएशन BA BCom पार्ट 3rd एग्जाम का शेड्यूल 17 से 20 एग्जाम का, तो वो शेड्यूल यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ये रहे आपके ऑनर सब्जेक्ट्स ग्रुप वाइज और आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, तो आप हमारे उसके लिए आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए तो वहाँ पर इसके अच्छे से पढ़ पाइएगा। अगले अपडेट बिहार बोर्ड के DLED कोर्स में नामांकन 18 अगस्त से स्टार्ट है। अभी TMBU में देख पा रहे हो इस बार फिर स्नातक नामांकन के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है। आप 12 अगस्त तक आवेदन अब कर सकते हैं, 12 अगस्त को आवेदन एडिट कर सकते हैं, पहले में तो सोचिए 22 अगस्त को जारी हो जाएगी, तो इसी पर खराब सी गाइडेंस भी चल रहा है TMBU यूनिवर्सिटी में। ये भी पढ़ने का आपको मिल जा रही है यहाँ पर LNM यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जोग्राफी की तरफ से देख पा रही हूँ इंटर असिसमेंट आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सेकंड इंटर असिसमेंट सेमेस्टर 3rd 2019-21 का और सेमेस्टर 1st 2020-22 का, तो उसका एग्जामिनेशन डेट सेमेस्टर वाइज और अब यहाँ पर शेड्यूल आपको देखने को मिल जा रहा है आपके एग्जाम का। तो फ्रेंड्स इसके भी मैं आपको रूटीन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, मैं वहाँ पर डाल दूंगा। ये भी जैसे को पता है कि CBSE 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो बिहार में 99.59% रिजल्ट हुआ, 7वें नंबर पर पहुँच गया पटना इस बार 99.66% पिछले रहे सफल। देख पा रहे हो केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट फिर से 100% रहा। अगली बेट पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से PWUC पढ़ने को जा रहा है PG में छात्राओं ने लिया नामांकन, पढ़ पा रहे हो मंगलवार को PG विषय में छात्राओं ने नामांकन लिया और शिफ्ट वाइज होगी परीक्षा। BA की ऑनलाइन इंटरेस्ट परीक्षा 4 अगस्त को होगी, छात्र अपने मॉक टेस्ट के दौरान मिले लॉग इन ID से इस परीक्षा में जुड़ेंगे। बता दें कि 31 जुलाई को सर्वर नेटवर्क में दिक्कत होने के कारण ATS टेस्ट स्थगित कर दिया गया जिसे 4 अगस्त को रीशेड्यूल किया गया है। इसमें रोल नंबर के अनुसार 3 शिफ्टों में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसी में एक और अपडेट की BSc का रिजल्ट जारी, वेबसाइट पर BSc की में चयनित छात्राओं का सूची रोल नंबर के अनुसार जारी कर दिया गया है, छात्रों को 10 अगस्त को नामांकन कॉलेज आकर ले लेना है। एक और अपडेट 50 निकायों में 515 पदों के लिए आज होगी काउंसलिंग। अगले अपडेट पढ़ने को जारी है यहाँ पर कि आपको प्रोफेशनल व वोकेशनल कोर्सेज की शिक्षा समान रूप में विस्तारित करने की योजना भेजा गया है प्रस्ताव आपकी LNM यूनिवर्सिटी की तरफ से। अपडेट बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 318 के टीचर का नियोजन 11 माह बढ़ा। अगली बेट BRABU बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वोकेशनल पाठ्यक्रम छात्रों के प्लेसमेंट के लिए VV स्तर पर होगी पहल और पढ़ पा रहे यहाँ पे पढ़ने को जा रहे हैं कि MD DM कॉलेज में NTT कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन 5 से शुरू। जो की बात करें आप इस कोर्स में दाखिले आप 8 अगस्त तक ले पाएंगे, 150 सीटें के पर होगा दाखिला। अगली बेट मुजफ्फरपुर देख पा रहे हो BRABU यूनिवर्सिटी की तरफ से कि PG में 1200 सीटों पर दाखिले के लिए निकलेगी तीसरी सूची, तो पढ़ने को जा रहा है कि PG में दाखिले तीसरी सूची निकलेगी 7 अगस्त को के बाद ही निकलेगी। 2 बार की मेधा सूची में इतने सारे छात्र छात्राओं ने दाखिला ले लिया है, ऐसे में अब 1200 सीटों के लिए लिस्ट निकलेगी। इससे पहले 5 छात्रों के नाम आदि में सुधार के लिए पोर्टल खोला जाएगा। VV के छात्र
ने कहा कि अधिकतर विषय में कुछ ही सीटें खाली हैं, छात्र नॉन प्रैक्टिकल विषय में सीटें खाली रहने पर विषय बदल कर नामांकन ले सकते हैं, आवेदन में गड़बड़ी पर सुधार होगा, इसके बाद सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। बताया गया कि 5 अगस्त तक आवेदन में एडिट करने के बाद विवि की ओर से इसके अगले 2 दिनों में विषयवार प्राप्त आवेदन और रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर 9 अगस्त को तीसरी सूची जारी की जाएगी। लिबर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर हटाए गए सिलेबस के अनुसार होगी परीक्षा, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए छात्र शुरू करें तैयारी, इस प्रकार हुई मार्किंग आपको पढ़ने को मिल जा रही है। और तो ये थी अपडेट आपके सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। टीएमबी यूनिवर्सिटीज अपडेट, नई शिक्षा नीति में खेल को भी बढ़ावा देने का प्रावधान, कुलपति ने कहा खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो टीएमबी को मिलेगा बढ़ावा, विवि का बंद पड़ा इंडोर स्टेडियम खेल के लिए छात्रों को सौंपा गया। बेट कैंपस अलर्ट, 6 को लॉकडाउन होगा समाप्त, इसके बाद मिल सकती अनुमति, 9 से पार्ट 1 की प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी में फिर प्रशासन कॉपी जांच शुरू। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त को पूरी हो रही है, इसके बाद सरकार विवि और विद्यालयों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ संक्रमण के कारण लंबित परीक्षाओं का भी संचालन इसके पड़े मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी स्नातक पार्ट 1 शिक्षा शैक्षणिक सत्र 19 से 22 की लंबित प्रायोगिक परीक्षा संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। तो इस तरह सबकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्जाम शुरू होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह की कुछ एजुकेशन अपडेट्स, वीडियो पसंद भी को लाइक करेंगे, इस तरह के अपडेट्स से पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।